तुम मुझे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण डरा सकते हो, तुम मुझे रिश्तों के जाल में बांध कर रख सकते हो, तुम मुझसे मेरी उन आखिरी उम्मीदों को भी छीन सकते हो, लेकिन पता है क्या, इन सब के बाद भी तुम मुझे रोक नहीं सकते। नहीं, ये तुम्हारे बस की नहीं, तुम्हारी हंसी की गूंज इतनी गहरी नहीं कि मेरे सपनों को डुबा पाए। ये यूं समझो कि तुम मुझे जानते ही कितना हो, जो मुझे यूं जज कर रहे हो। जिस माँ को तुम जन्नत का दरवाजा कहते हो ना, उस दरवाजे को, उस जन्नत को छोड़, हैवानों के बसेरे में अपने उस राजमहल सी कंफर्टेबल लाइफ को मैंने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा है। जिस इंस्टा और व्हाट्सएप को तुम सुबह उठते से और रात को सोने से पहले इस्तेमाल करते हो ना, जहां तुम अपनी स्नैप की स्ट्रीक्स बनाने में अपने एफर्ट्स डालते हो ना, उस समय मैं अपने उन सैक्रिफाइसेस के धागे से अपनी लाइफ को पुरोता हूं। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जहां तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, फास्ट फूड को अपनी जिंदगी मानते हो, जहां तुम उन छोटी छोटी खुशियों को ही अपना जीवन मानते हो और जीने के हैं सिर्फ चार दिन, ये सोच सोचकर खुद को हर दिन रेग्रीट्स ओवरकम करवाते हो ना, उन दिनों में मैं खुद को तड़पाता हूं, मैं खुद को रेग्रीट करवाता हूं कि कैसे मैंने अपनी जिंदगी का एक और दिन उसी जगह पर बिता दिया जिस जगह को सिर्फ वही लोग अपना सकते हैं जो जीते जी लाश हैं। बुरे हालातों में मैं खुद को खुश रखता हूं, गंदी से गंदी सिचुएशन में मैं खुद को संभालता हूं। कोई साथ हो ना हो, लेकिन मैं मेहनत करता हूं, कोई मुझे देखे ना देखे, लेकिन मैं अपना काम करता हूं, अब भले उसमें मजा आए या सजा मिले, आई डोंट केयर। अब भले उस काम में मुझे फेम या मनी मिले ना मिले, लोगों के मुंह से वाहवाही मिले ना मिले, लेकिन मैं वो काम करता हूं, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि वो जरूरी है मेरे ख्वाबों के लिए, मेरे सपनों के लिए। तू जानता है, कई दफा किसी इंसान की जिंदगी में उसकी उम्मीद ही उसका एक आखिरी सहारा रहती है। उम्मीद कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, उम्मीद कि एक दिन वो सूरज आएगा जिससे अंधेरा दूर हो जाएगा, उम्मीद कि एक दिन उसके सपने पूरे होंगे, उम्मीद कि उसके माँ बाप को उस पर गर्व होगा, उम्मीद कि उसके सैक्रिफाइसेस का हिसाब किया जाएगा। और तुम लोग उस उम्मीद को भी छीनने आ जाते हो। अरे कायर तो तुम लोग हो यार, हम तो कम से कम कोशिश करते हैं, तुम तो कोशिश को ही मार देते हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे बस की नहीं है मुझे रोकना, क्योंकि मैं अनस्टॉपेबल हूं। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, SG मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पर भरोसा है और आप अपने सपनों को जरूर साकार करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो सुनने से पहले आपको क्या लग रहा था और सुनने के बाद क्या लग रहा है। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशा।